1927 में बलूचिस्तान के इलाकों में ज़रई ज़मीन को आबाद करने के लिए सूबे की सबसे बड़ी नहर खीरथर कैनाल बनाए जाने के बाद जाफराबाद के इलाके उस्ता महमद में ज़रई अजनास की दीगर इलाकों तक रसाई और आवाम को सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए 1940 में रेलवे स्टेशन कायम किया गया था, जिसके साथ सिंध बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों में ट्रेन सर्विस के अलावा बड़े पैमाने पर तजारती सर्विस भी शुरू हो गई थी। सर्विस बंद कर दी गई है और उसी रेलवे स्टेशन पर और रेलवे ट्रैक और जो वहाँ जगह है उनको लोग काबिज हो चुके हैं, उनके ऊपर लोगों ने अभी कब्जा करना शुरू कर दिया है। रेलवे हुकाम ने इस इलाके के आवाम को तजारत और सफ़र की जदीद सहूलतें फराहम करने की बजाय 1940 में बनाए गए रेलवे स्टेशन को 3 साल कबल बंद कर दिया, जिससे सिंध और पंजाब समेत दीगर इलाकों से बलूचिस्तान का तजारती रास्ता कट कर रह गया है और आवाम सस्ते सफ़र से भी महरूम हो गए हैं। ये जो भी है इंजीनियरिंग का फॉल्ट है, हमारी स्टेशन तो कमा के उनको देती थी, बनाने वाले तो वही इंजीनियरिंग वाले हैं ना। यहाँ लाड़काने के लिए 35-40 रुपये किराया है जो 200 रुपये एक मुसाफिर देता है। रेलवे स्टेशन बंद होने से काश्तकारों और आवाम को मुश्किलात के साथ नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जबकि इस कदीम रेलवे स्टेशन पर लैंड माफिया ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है और रेलवे के गोदामों में अपनी जाती आटे की चक्की मशीनें लगा दी हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के मजबूत ग्रुप ने हुकाम को भारी भत्ता देकर रेलवे सर्विस बंद कराई है और लैंड माफिया की नज़रें रेलवे की पटरी पर लगी हुई हैं। उस्ता अहमद में तो पुलिस अफसरों ने कब्जा किया ज़मीन पे, आटे की चक्की भी चल रही है तो लोगों के घर भी बन रहे हैं, बड़े बड़े घर बन रहे हैं। ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से पैसे लेकर ये रेलवे लाइन बंद की है। वो हमारी जो गुड्स ट्रेन आती थी और जो सामान आता था बाहर से यहाँ के बतौर ख़ास जो तजारती तबके को, वो दूसरा सामान मंगाने में जो अब बहुत ज़्यादा हमें किराया अदा करना पड़ता है। उस्ता महमद और इसके इर्द गिर्द के मकीनों का कहना है कि लेनों की मरम्मत और तजावजात के खात्मे से ही रेलवे स्टेशन को फिर से आबाद किया जा सकता है। कैमरामैन आसिम अली के साथ मोहम्मद आशिम बलोच, जियो न्यूज़, नसीराबाद।